गोरखनगर रेलवे स्टेशन पर बहुत सारी रेलगाड़ियां आती जाती रहती थी। उस स्टेशन में हमेशा यात्रियों की भीड़ लगी रहती थी। उस रेलवे स्टेशन में कई किस्म के ठेले थे, समोसा वाले ठेले, ब्रेड ऑमलेट वाले ठेले, कूल ड्रिंक्स वाले ठेले, अखबार और किताबें बेचने वाले ठेले, यूं कई किस्म के ठेले थे। उस स्टेशन में बिरजू नाम का एक गरीब लड़का शुगर कैंडी बेचा करता था। वो बेचारा गूंगा था। उसके हाथों में एक छड़ी था जिसमें शुगर कैंडी लिपटा रहता था। वो उसमें से थोड़े थोड़े शुगर कैंडी निकालता और अपने पास कुछ तिनके थे जिनसे निकाल कर उन्हें कई किस्म के आकार में बनाकर बेचा करता था। वो सिर्फ आकार ही नहीं, कई किस्म के खिलौने बनाकर देता था। बच्चे और बड़े उसके पास आकर उनके पसंद के खिलौने बनवाकर पैसे देकर खाया करते थे। एक दिन ऐसे ही अपने बेटे के साथ कहीं जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचा। बच्चे ने शुगर कैंडी देखा और कहने लगा, अरे वाह शुगर कैंडी, अंकल मुझे एक स्टार शेप में शुगर कैंडी बना कर दो ना, प्लीज अंकल। बिरजू ने वैसे ही बनाया जैसे बच्चे ने पूछा और उसे देते हुए ब ब ब ब ब ब कहकर दिया ऐसे ही। अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है, कितने का है? बिरजू चार उंगलियां दिखाते हुए ब ब ब ब ब ऐसे ही। अच्छा 40 रुपए? अरे भाई मेरे पास छुट्टे नहीं है, 500 का नोट है। तुम्हारे पास 500 के छुट्टे हैं? चलो कोई बात नहीं, तुम मेहनत कर रहे हो, रखो ये 500 रुपए, मुझे छुट्टे देने की कोई जरूरत नहीं है, कहकर उसे पैसे देने लगा। तब बिरजू इशारा करते हुए उसके कहने का तात्पर्य ये था कि मुझे दान नहीं चाहिए, मेहनत की कमाई चाहिए, छुट्टे नहीं है तो क्या हुआ, जब आपके पास हो तब दे देना। तब ऐसे ही। अरे वाह तुम तो बड़े खुददार हो, वेरी गुड वेरी गुड, चलो ठीक है मैं बाद में दे दूंगा, कहकर वहाँ से चला गया। बिरजू रेल के पटरी के पास ही एक छोटे से झोपड़ी में रहता था। एक दिन वो पटरी के साथ साथ घर की ओर लौट रहा था कि तभी उसने देखा कि पुल के नीचे कुछ लोग खंबे के साथ कुछ बॉम्ब लगा रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति, सुनो हम लोग यहाँ पास में ही झाड़ियों में छुप जाएंगे और जैसे ही रेलगाड़ी इस पुल के ऊपर आई तब हम ये रिमोट दबाएंगे और बॉम्ब फट जाएगा, बस पुल टूटेगा और रेलगाड़ी सीधा पानी में, इसका वीडियो निकाल कर हमें अपने बॉस को भेजना होगा, समझे? आधे घंटे में रेलगाड़ी आने वाली है, उसी के साथ ये हादसा होना चाहिए, चलो चलो जाकर छिपते हैं। ये सुनकर बिरजू डर गया, वो तुरंत वहां से भागा। वो सीधा पुलिस स्टेशन गया। वो एसआई से कहकर खुले हुए सांस के साथ हड़बड़ाकर बोल रहा था। एसआई, क्यों भाई पैसों के लिए आए हो क्या? ठहरो देता हूँ, तुम इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? तो बिरजू यानी नहीं नहीं ऐसा कहा। तब ऐसे ही, तो तुम्हें और क्या चाहिए, तुम कहना क्या चाहते हो? बिरजू के समझ में नहीं आया कि वो इन्हें कैसे समझाए और वो इधर उधर देखने लगा और कहने लगा बा, 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 बा। सब पुलिस वाले उसकी ओर परेशान होकर देखने लगे। तब बिरजू के दिमाग में एक आइडिया आया, उसने तुरंत अपने छड़ी में से कुछ शुगर कैंडी निकाला और उससे बॉम्ब नाम का शब्द बनाया। ये देखकर ऐसे ही हैरान होकर, क्या बॉम्ब? अरे कहाँ बॉम्ब बताओ। तब बिरजू ने ब्रिज नाम का शब्द बनाया और दिखाया। तब ऐसे ही, ब्रिज के पास? यूं पूछा। तब बिरजू ब ब ब यानी हाँ हाँ आइए मैं दिखाता हूँ, यूं इशारा करने लगा। बस सब पुलिस वाले उसके पीछे पीछे भागने लगे। वो उन्हें पुल के पास ले गया और पुल के नीचे बॉम्ब की ओर इशारा करते हुए और पेड़ के पास छुपे हुए उन बदमाशों की ओर इशारा किया और ब ब ब ब ब ब ब ब यूं कहने लगा।
बस तब पुलिस ने उन बदमाशों को पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें खूब मारा। ऐसा ही शबाश बिरजू, तुमने कई जानें बचाई हैं, तुमने बहुत नेक काम किया है। मैं कोशिश करूंगा कि सरकार की ओर से तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिले, कहकर बिरजू का पीठ थपथपाया। ये सुनकर बिरजू बहुत खुश हुआ। इस तरह पुलिस ने बिरजू का सम्मान किया और 10 लाख रुपए का चेक इनाम के तौर पर दिया।